हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। गोदरेज इंटरव्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू सूद बात करते आए नजर। अपने डैडी के लिए घर बनवाने की बात अब बारी है सोनू सूद के सिस्टर की। हर कोई जानता है कि सोनू सूद के लाइफ में उनकी बहन का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसलिए अब डैड की बात सोनू सूद ने अपनी बहन के लिए घर बनवाया है, जिसके बारे में उन्होंने गोदरेज इंटरव्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। सोनू ने कहा कि वो अपनी बहन के लिए एक ऐसा घर बनवाना चाहते थे जो उनके घर में अमेजिंग फील करवा सके, और इसीलिए उन्होंने उनके घर की हर चीज पर खुद पर्सनली ध्यान दिया है। इसी के साथ सोनू सूद ने बताया कि बॉलीवुड एक्टर में बहुत सारे लोगों के घर मुझे जाना पसंद है, बट सबसे ज्यादा शाहरुख का पसंद है, क्योंकि गौरी जो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर है तो उन्हें समझ है बहुत सारी चीजों की। वहीं इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली यशराज की फिल्म पृथ्वीराज के बारे में सोनू ने कहा कि शूटिंग अभी चालू है और अक्षय के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है और उनके साथ काम करना हमेशा से ही अच्छा लगा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको अगर आप जिंदगी में बिजी रहना चाहते हैं तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेरे मदर प्रोफेसर थे इन पंजाब, एंड शी ऑलवेज यूज टू टीच मी ओनली वन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ग्राउंडेड, एंड सेकंड थिंग इज रियली वर्क हार्ड सो दैट यू ऑलवेज स्टे बिजी इन लाइफ, यू नो। एंड यू नो आई व्हेन आई केम टू मुंबई इयर्स बैक, द ओनली थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड वाज दैट यू नो आई हैव टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू व्हिच आई हैड कम अप व्हेन आई लेफ्ट पंजाब। एंड till today, so when I came in the morning, I again went to my gym, and we were having lunch together, and we were conversing on the same thing, that how important it is to stay on your toes always, no matter whether you are busy with your schedules or not. There are times when for one and a half years you don't shoot for any movies, you are waiting for the right role to happen, so that's a time actually that you have to be patient and believe in yourself that no matter how long you have to wait for the right role to happen, but yeah, right roles will follow you, and I think that's my fund of surviving all these years. 19th of Feb को Flipkart पर पहली बार 7 शॉर्ट फिल्म ऑन एयर होने वाली है, जिसे लेकर इसके स्टार कास्ट ने मीडिया से की कुछ खास बातचीत। 19th of Feb को Flipkart पर पहली बार 7 शॉर्ट फिल्म ऑन एयर होने वाली है। इस सिलसिले में स्टार कास्ट ने आज मुंबई में मीडिया से बात की और सभी अपने अपने शॉर्ट फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। सभी ने मीडिया से बातें की और अपने अपने फिल्म का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और अपने अपने शॉर्ट फिल्मों के बारे में बताया कि ये क्या सोशल मैसेज देती है और सबका शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में भी बात। आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड, मतलब बिकॉज यू देन ऑटोमेटिकली हैव सो मच फेथ इन द डायरेक्टर, बिकॉज ही इज सो क्लियर, राइट? ही सेज कि नहीं, आई नो आई वांट यू ऑल एंड आई हैव अ विजन एंड आई नो व्हाट इट्स, एंड व्हेन इवेंचुअली वी शॉट विद हिम वी न्यू दैट ही knew exactly what he wanted. There was not too much ye kar lo, acha ye try kar lo, acha wo try kar lo. He said, acha ye scene hai, ye karenge. And really fast things like moved very smoothly. And it's really nice, no? And someone wants to work with you. So that was great. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. I feel, I'm glad, I'm blessed कि, you know, मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि लोग मेरे बारे में directly सोचते हैं कि यार ये बंदा चाहिए, अच्छा ये लिखा जाए इसको mind में रख के. तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और कई बार वो भी होता है, मतलब प्रोज कॉन्स होते हैं कि कई बार लगता है प्रेशर है, अगर मैं मेरे माइंड में मुझे रख के लिखी है वो फिल्म, यार मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मना कैसे करूँगा, तो ये थोड़ा अच्छा, प्रेशर होता है। बट अलग गौती जैसे डायरेक्टर्स हैं और भी जितने भी हैं, आई एम ग्लैड ये ऐसे सोचते हैं और इनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। डब्बू रत्नानी का स्टार स्टडेड कैलेंडर 2020 वाला लॉन्च। साल की शुरुआत डब्बू रत्नानी के कैलेंडर से होती है और इस साल 2020 में एक बार फिर से डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है और इस मौके पर आज बॉलीवुड की ढेरों सारी पर्सनालिटी यहां डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर प्रेजेंट हुई थी और सभी बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। एक्टर भूमि पेडनेकर यहां पर सभी की फोटो देखकर बहुत एक्साइटेड लगी और मीडिया से भी बातें करते वक्त बताया कि उन्हें सभी की फोटो बहुत ही अच्छी लगी और स्पेशली जो उनका पोज है वो बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा भूमि पेडनेकर आने वाले दिनों में ढेरों सारी फिल्में कर रही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमि के ऊपर खुद होने वाली है, जिसे लेकर वो थोड़ा सा प्रेशर फील करती है।
विकास गुप्ता भी यहाँ पर प्रेजेंट हुए और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड लगे। विकास गुप्ता बिग बॉस फाइनल सिद्धार्थ के विनर से बहुत ही खुश है। उनके अनुसार बिग बॉस सही था और सही है, जिसे लेकर बहुत खुश है। डब्बू रत्नानी ने यहाँ पे खुद मीडिया से बातें की और बातें करते वक्त इस बात को माना कि इस बार थोड़ा सा कैलेंडर लॉन्च पे देरी हो गई है, लेकिन सभी के साथ में बहुत ही अच्छा फोटोशूट हुआ है। डब्बू रत्नानी और मनीषा रत्नानी ने सभी के साथ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के प्रोमो में रोहित शेट्टी डर की यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर आ रहे नजर। आज खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का प्रोमो लॉन्च किया गया, जिसमें रोहित शेट्टी अपने डर की यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर नजर आ रहे थे। रोहित शेट्टी के इस रियलिटी शो में आरजे मलिश्का, धर्मेश येरांडे, बलराज सयाल, रानी चैटर्जी, करण पटेल, करिश्मा तन्ना, अदा खान, शिविन नारंग, तेजस्विनी प्रकाश और अमृता खानविलकर दिखने वाले हैं। यह शो 22 फरवरी से कलर्स चैनल पर देखने को मिलेगा। इस बार शो की शूटिंग बुल्गारिया में हुआ है। रोहित शेट्टी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस सीजन का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस सीजन में क्या कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये सीजन ऑडियंस को क्यों पसंद आने वाला है। सभी कंटेस्टेंट ने भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सभी ने ये भी बताया कि उन सब ने कितना एंजॉय किया है, कितना टफ रहा उनके लिए और सबसे ज्यादा कौन सा स्टंट पसंद आया है, साथ ही बुल्गारिया में कितनी मस्ती आकी। सभी ने अपने अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम भी बताया। सभी कंटेस्टेंट ने इस शो के होस्ट रोहित शेट्टी के बारे में भी बहुत सारी बातें की। बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने मीडिया से की कुछ खास बातचीत। इस साल का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 13 खत्म हो चुका है, जहां सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की फाइनल फाइट में सिद्धार्थ ने इस शो के टाइटल को जीत कर बाजी मारी है। वहीं इस शो के हिस्सा रह चुकी हिमांशी, जिनकी आसिम के साथ केमिस्ट्री के चर्चे भी कुछ कम नहीं रहे, उन्होंने आज मीडिया को दिए अपने सारे जवाब। हिमांशी ने बताया कि कैसे फाइनल वाले दिन आसिम ने उन्हें अपने फैमिली से मिलवाया और क्योंकि शो खत्म हो चुका है तो बहुत सारी बातें भी हमारे बीच क्लियर हो चुकी है और अब हम सिर्फ अपना एंजॉय करने चाहते हैं। हिमांशी ने शहनाज गिल के बारे में भी बातें की और कहा कि मेरे घर वालों ने बोला कि उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी है तो माफ कर देना चाहिए। वहीं हिमांशी ने शहनाज को उनके स्वयंवर के लिए भी शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा हिमांशी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, जैसे मैं पहले थी वैसे ही अभी हूँ। और हाँ, अच्छे दोस्त बने हैं और अच्छी मेमोरीज बनाई हैं
और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साथ लेके जा रहे हैं। हिमांशी, इसके अलावा आसिम जो है टॉप टू में है, उसकी बहुत खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बात को लेकर कि विनर नहीं बने, जबकि सब लोग बोल रहे थे कि आसिम को ही जीतना चाहिए। हाँ, हम सब चाहते थे कि वो विनर बने, होप भी कर रहे थे, और मेरी तो आंखें बंद थी और हार्ट बीट बहुत फास्ट थी कि अभी आसिम का नाम ले दे और हम सब भाग के जाएं, क्योंकि विशाल मेरे पीछे बैठे थे, हम सब चाहते थे, और उनकी फैमिली मेरे इस तरफ बैठी थी। तो लेकिन जब ऑल ऑफ सडन नाम लिया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन इट्स ओके। लेकिन ट्रॉफी से आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो हर जगह चैंट कर रहे हैं आसिम आसिम आसिम, सो आई थिंक इज अ विनर। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।